गुड इवनिंग क्लास ट्वेल्थ की प्यारे बच्चों, आज हम लोग चलेंगे जो नुक का विस्तार में तीसरा चैप्टर है, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। आज हम लोग इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट सार टेंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे। इसके साथ साथ यूपी बोर्ड 2022 एवं यूपी बोर्ड 2023 की बोर्ड परीक्षा में जितने भी सार टेंसर टाइप क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए थे, आज की इस क्लास में उन सभी प्रश्नों को भी कवर करेंगे। और इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 out of 100 मार्क्स लाना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस आपको यूट्यूब पर दी जा रही हैं, आप सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस को अटेंड करोगे, किसी भी क्लास को आप मिस नहीं करोगे। और अभी तक जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लासेस हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपकी कोई भी क्लास छूटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको इंग्लिश क्लास 12th इंपॉर्टेंट क्लासेस करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और उस प्लेलिस्ट में अभी तक जितनी भी क्लासेस चली हुई हैं, सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं, तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और जो भी बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, और यदि आप पेड क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी अच्छे पूरा प्रोसेस की किस तरह से पेड क्लास में एडमिशन लेंगे, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या क्या चीजें इसमें आपको देखने को मिलेंगी, इसके बारे में विस्तार से क्लास के अंत में आपको बता दिया जाएगा। अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। तो प्यारे बच्चे यहां पर देखिए ऊपर लिखा गया है इंपॉर्टेंट सार्ट क्वेश्चंस, मींस इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट सार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं, सभी प्रश्न आपको यहां पर एक एक करके देखने को मिलेंगे। तो यहां पर देखिए प्यारे बच्चे आपके सामने पहला इंपॉर्टेंट सार्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, और पहला प्रश्न क्या है ध्यान से आप समझिए। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, हाउ डिड द ऑथर रीच, कैसे लेखिका पहुंचती हैं अंटार्कटिका, मींस अंटार्कटिका पर, मींस अंटार्कटिका पर लेखिका कैसे पहुंची। तो भैया जो है इसकी जो लेखिका तिसानी दोषी है, कैसे जो है वह अंटार्कटिका पर पहुंची हुई थी, किस जहाज का सहारा ली हुई थी, और जहाज कहां का था, और जो है उन्होंने किस साधन का भी प्रयोग किया हुआ था, उन सारी चीजों को आपको इस प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, दी आथर तिसानी दोषी, मींस लेखिका तिसानी दोषी, रीच्ड अंटार्कटिका, मींस अंटार्कटिका पर पहुंची बाय अ रशियन वेसल एकेडमिक सोकाल्स्की, मींस एक रूसी जहाज एकेडमिक सोकाल्स्की के द्वारा, मींस लेखिका तिसानी दोषी एक रूसी जहाज एकेडमिक सोकाल्स्की के द्वारा अंटार्कटिका पर पहुंची। अब आगे देखिए आगे जो है और किस प्रकार से पहुंची हुई थी, आगे देखिए लिखे हुए हैं सी हैड टू ट्रेवल, उन्हें यात्रा करना पड़ा, हैड टू का प्रयोग जो है पास्ट में मजबूरी को दिखाता है, तो सी हैड टू ट्रेवल, उन्हें यात्रा करना पड़ा ओवर 100 hours, मींस 100 घंटों की, मींस उन्हें 100 घंटों की यात्रा करनी पड़ी, यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, और उन्हें यातायात के विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करना पड़ा, मोड मींस हो जाएगा माध्यम, ट्रांसपोर्टेशन मींस हो जाएगा यातायात, उन्हें यातायात के विभिन्न साधनों का प्रयोग करना पड़ा या माध्यमों का प्रयोग करना पड़ा, सच ए जैसे शिप मींस शिप का प्रयोग करना पड़ा, कार का प्रयोग करना पड़ा, एंड एरोप्लेन और एरोप्लेन का प्रयोग करना पड़ा, मींस उन्हें यातायात के इन विभिन्न साधनों का प्रयोग करना पड़ा। तो भैया ये हो गया आपके पहले प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईजे सेट में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई भी आज की क्लास में ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं कराएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से ना इंपॉर्टेंट हो। तो भैया उन्हीं प्रश्नों को आज की इस क्लास में लिए हुए हैं जो आपकी बोर्ड परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो भैया एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से है, द आथर तिसानी दोषी रीच्ड अंटार्कटिका बाय अ रशियन वेसल एकेडमिक सोकाल्स्की, सी हैड टू ट्रेवल ओवर 100 hours यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एज शिप कार एंड एरोप्लेन। तो भैया ये उत्तर हो गया, आगे बढ़ते दूसरे प्रश्न की तरफ देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए प्यारे आपके सामने दूसरा प्रश्न है, और ये दूसरा प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 एवं यूपी बोर्ड 2023 दोनों की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, मींस दोनों वर्ष की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्या प्रश्न है ध्यान से देखिए, व्हाट वाज द वंडर, कौन सा आश्चर्य था
ऑथर रियलाइज, जो लेखिका ने महसूस किया, रीचिंग अंटार्कटिका मीन्स अंटार्कटिका पर पहुंचने के बाद, मीन्स जो है वह कौन सा आश्चर्य था जिसे अंटार्कटिका पर पहुंचने के बाद लेखिका ने महसूस किया। तो भैया जो वहाँ का वेदर था, जो मौसम था, जो वहाँ की ठंडक थी, जो है ड्राइएस्ट और कोल्डेस्ट जो वहाँ का मौसम था, उसी को देख करके उन्हें आश्चर्य हुआ था ना, उसी चीज़ को लिखना है। और इस तरह से प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईई और ईजी दो सेट में पूछा गया प्रश्न था। और यही सेम प्रश्न आपका जो है यूपी बोर्ड 2023 में शब्दों को परिवर्तित करके पूछ लिए, और शब्दों में परिवर्तन किस तरह से किए हुए हैं यहां पर आप लोग देख सकते हैं। हाउ डिड, दूसरा प्रश्न इसी में देखिए, हाउ डिड ऑथर फील, मींस लेखिका कैसे महसूस करती हैं When he reached Antarctica, जब वह Antarctica पहुंचती हैं, यहाँ पर ही नहीं होगा, सी होगा, when she reached Antarctica हो जाएगा, जब वह जो है Antarctica पर पहुंचती हैं। तो भैया जो है कैसे महसूस की, वो वही चीज़ हो गया जो आपका ऊपर प्रश्न का दिया गया था, बस शब्दों को बदले हुए हैं, वही उत्तर आपको लिखने हैं, और शब्दों को बदल करके 2023 के ZX सेट में इस तरह से पूछा गया। अब जो है देखिए लेखिका कैसे महसूस करती हैं, क्या आश्चर्य वहां पर देखती हैं, उन सारी चीजों को यहां पर इस प्रश्न के उत्तर में देखिए लिखे हुए हैं। देखिए कैसे लिखे हुए हैं, द ऑथर वंडर्ड, मिस लेखिका आश्चर्य करती हैं एट द फैक्ट, इस तथ्य पर, दैट अंटार्कटिका की अंटार्कटिका, विच इज सो कोल्ड नाउ, जो इसमें बहुत अधिक ठंडा है, Once was part of the same landmass, एक बार यह हमारी ही जो है मीन्स उसी भूमि का जो है भाग था, इन विच इंडिया वॉज ऑल्सो प्रेजेंट, जिसमें भारत भी उपस्थित था। मीन्स उन्हें आश्चर्य होता है कि ये जो आज अंटार्कटिका है इतना ठंडा है, ये जो है कि एक समय ऐसा भी था भारत भी इसी भूभाग का एक अंश था, एक भाग था। अब आगे देखिए लिखे हुए हैं, सी आल्सो वंडर्ड, वह इस बात का भी आश्चर्य करती हैं एट इट्स इमेंसिटीज, की विशालता पर आश्चर्य करती हैं, एंड इट्स आइसोलेशन, और इसके अलगाव पर आश्चर्य करती हैं, मीन्स वह इसकी विशालता और इसके अलगाव पर भी आश्चर्य करती हैं। विशालता मीन्स हो जाएगा अंटार्कटिका बहुत बड़ा महाद्वीप है, बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है, तो इसलिए उस पर वह आश्चर्य करती है। इसके साथ साथ जो एकदम पूरी तरह से अलग थड़क पड़ा हुआ है अंटार्कटिका, उस पर भी आश्चर्य करती हैं। तो भैया ये हो गया आपके दूसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, The author wondered at the fact that Antarctica, which is so cold now, once was part of the same landmass in which India was also present. She also wondered at its immensity and its isolation. आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो यहाँ पर देखिए बच्ची, आपके सामने तीसरा प्रश्न है, और तीसरा प्रश्न है What was Gondwana? Gondwana क्या था? तो भैया आपके सामने प्रश्न आ चुका है, Gondwana क्या था? तो भैया Gondwana एक सुपर कॉन्टिनेंट था ना, अति महाद्वीप था ना, तो भैया एक सुपर कॉन्टिनेंट था जो 650 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था। कुछ बच्चे 500 मिलियन वर्ष के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो भैया 500 वाला आपका गलत है, यहां पर 650 मिलियन जो वर्ष लिखा गया ये आपका सही है। तो ये गोंडवाना कब अस्तित्व में था? 650 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, गोंडवाना वाज अ जायंट अमलगमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट विच वाज एग्जिस्टेड इन 650 मिलियन ईयर्स एगो। अर्थ देख लीजिए, गोंडवाना वाज, गोंडवाना था अ जायंट मीन्स एक विशाल, अमलगमेटेड मीन्स हो जाएगा मिश्रित, एक विशाल मिश्रित, साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट मीन्स दक्षिणी अत महाद्वीप, मीन्स गोंडवाना एक साल मिश्रित दक्षिणी अत महाद्वीप था, विच वाज एग्जिस्टेड, जो अस्तित्व में था इन 650 मिलियन ईयर्स एगो, 650 मिलियन वर्ष पहले, जो 650 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में था। तो भैया ये हो गया आपके तीसरे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, गोंडवाना वाज अ जायंट अमलगमेटेड साउदर्न सुपर कॉन्टिनेंट विच वाज एग्जिस्टेड इन 650 मिलियन ईयर्स एगो। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ, देखते हैं चौथा प्रश्न क्या है। और आज की इस क्लास में टोटल 7 प्रश्न लिए हुए हैं, इस चैप्टर के टोटल 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं।
तो भैया यहां पर देखिए आपके सामने चौथा प्रश्न है, हु वाज कौन था, हु वाज जियो ऑफ ग्रीन, जियो ऑफ ग्रीन कौन थे, तो भैया जियो ऑफ ग्रीन जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम था इसके हेड थे ना, इसके डायरेक्टर थे ना, उसी चीज को लिख देने हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट डिड ही ऑफर, उन्होंने क्या ऑफर किया टू द स्टूडेंट में, छात्रों को, उन्होंने छात्रों को क्या ऑफर किया, तो भैया यही ऑफर करते थे ना, अंटार्कटिका पर ले जाने का जो है उन्हें मौका देते थे और वहां पर सिखाने का उन्हें मौका देते थे, यही तो ऑफर करते थे, इसी चीज को आपको इस दूसरे प्रश्न के उत्तर में लिख देने हैं। और ये प्रश्न यूपी बोर्ड 2022 के ईएफ सेट में पूछा गया प्रश्न है, भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखे हुए हैं, जो पहला प्रश्न है हु वाज जियो ऑफ ग्रीन, जियो ऑफ ग्रीन कौन थे, उसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, जियो ऑफ ग्रीन वाज द फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। ध्यान से देखिए, जियो ऑफ ग्रीन वाज, जियो ऑफ ग्रीन थे, द फाउंडर मीन संस्थापक थे, एंड एग्जीक्यूटिव मीन हो जाएगा संचालक, संस्थापक और संचालक थे आप दी स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम था इस प्रोग्राम की जो है संस्थापक और व्यवस्थापक दोनों जी ऑफ ग्रीन थे। ये हो गया आपके पहले प्रश्न का उत्तर। अब जो है वह बच्चों को कौन सा अवसर प्रदान करते थे, उसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, ही ऑफर टू दी स्टूडेंट एन अपॉर्चुनिटी, वह जो है छात्रों को अवसर प्रदान करते थे, और सर कैसा होता था यहां पर देखिए लिखे हुए हैं, टू गो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, मीन्स अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट पे जाने का अवसर प्रदान करते थे, एंड टू डेवलप द रिस्पेक्ट, और सम्मान जो है डेवलप करने के लिए अवसर देते थे, एंड अंडरस्टैंडिंग और समझ फॉर दी अर्थ मीन्स पृथ्वी के लिए, और पृथ्वी के लिए सम्मान और जो है सम्मान और जो है हाँ समझ की भावना उत्पन्न करने का मौका देते थे। तो भैया ये हो गया आपका इस चौथे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और इस प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, उसके बाद हम लोग जो है पांचवे प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, जियो ऑफ ग्रीन वाज द फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, ही ऑफर टू द स्टूडेंट्स एन अपॉर्चुनिटी टू गो अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट एंड टू डेवलप द रिस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर द अर्थ। तो भैया ये हो गया आपका इस चौथे प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ, और एक बार जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें, जितने भी प्यारे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हुए हैं जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक करें और सभी क्लास 12th के बच्चों में वीडियो को पहुंचा दें। आगे यहां पर देखिए आपके सामने पांचवा प्रश्न प्यारे दिख रहा है, व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, ए स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम क्या था, तो भैया स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम क्या था, ऐसा जो है प्रोग्राम था जिसमें अवसर मिलता था बच्चों को बाहर जाने का, अंटार्कटिक महाद्वीप को समझने का, वहां की वेदर को समझने का, तो वही आपका लिख दोगे आप सीधे इस प्रश्न के उत्तर में। प्रश्न पूछा गया है व्हाट वाज द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम, स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम क्या था, उसका उत्तर देखिए लिखे हुए हैं, स्टूडेंट ऑन आइस इज अ प्रोग्राम, मीन्स स्टूडेंट ऑन आइस एक ऐसा प्रोग्राम है विच प्रोवाइड्स प्रदान करता है द स्टूडेंट मीन्स छात्रों को एन एम्पल अपॉर्चुनिटी मीन्स पर्याप्त अवसर, जो छात्रों को पर्याप्त अवसर प्रदान करता है टू अंडरस्टैंड अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, मीन्स अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट को समझने के लिए अवसर प्रदान करता है, एंड हाउ ग्लोबल टेम्परेचर, और कैसे जो है वैश्विक तापमान कैन बी अ बिग थ्रीट, एक बड़ा खतरा हो सकता है ह्यूमन एग्जिस्टेंस मीन्स मानव अस्तित्व के लिए, और कैसे ये जो वैश्विक तापमान है मानव अस्तित्व के लिए कैसे खतरा पैदा कर सकता है, खतरा उत्पन्न कर सकता है, इसको समझने के लिए जो है वह अवसर प्रदान करते थे। तो भैया ये हो गया आपका इस पांचवे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया। एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग छठे प्रश्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, स्टूडेंट ऑन आइस इज अ प्रोग्राम विच प्रोवाइड्स द स्टूडेंट एन एम्पल अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट एंड हाउ ग्लोबल टेम्परेचर कैन बी अ बिग थ्रेट टू ह्यूमन एग्जिस्टेंस। आगे बढ़ते हैं भैया अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका छठा प्रश्न है, और जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें। यहाँ पर देखिए आपके सामने छठा प्रश्न है, और ये छठा प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के ZV सेट में पूछा गया प्रश्न है। तो भैया ध्यान से देखिएगा, ये यूपी बोर्ड 2023 के ZV सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, हाउ इज अंटार्कटिका, मींस कैसी अंटार्कटिक द परफेक्ट प्लेस, मींस एक अच्छा स्थान है टू स्टडी, मींस अध्ययन करने के लिए एनवायरमेंटल चेंजेस, मींस पर्यावरणीय परिवर्तनों का, मींस कैसे अंटार्कटिक एक बेहतर स्थान है पर्यावरणीय परिवर्तनों का अध्ययन करने के लिए।
तो भैया क्यों कैसी है जो है यह एक अच्छा स्थान है, क्योंकि यहाँ पर बहुत इसका जो बायोडाइवर्सिटी है, मीन्स जो यहाँ का जैव विविधता है वह पूरी तरह से चेंज है, यहाँ का एटमोसफियर पूरी तरह से चेंज है, इसीलिए यह जो है इन्वायरमेंटल चेंज के लिए जो है परिवर्तन के लिए मीन्स पर्यावरणीय परिवर्तन के लिए अध्ययन के लिए ये सबसे बेस्ट जो है जगह है। तो देखिए उसी को इस प्रश्न के उत्तर में लिखे हुए हैं, अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल इकोसिस्टम, क्योंकि इसके साधारण जो है इकोसिस्टम मीन्स पारितंत्र के लिए, एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी और जो यहाँ पर जैव विविधता की कमी है उसके लिए इज द परफेक्ट प्लेस, इसीलिए है यह जो एक अच्छा उत्तम स्थान है टू स्टडी अध्ययन के लिए। हाउ लिटिल चेंजेस, कैसे छोटे छोटे परिवर्तन इन द इन्वायरमेंट मीन्स जो है पर्यावरण में कैन हैव बिग रिपरकशंस, मीन्स कैसे एक जो है बड़ा प्रभाव डालते हैं, रिपरकशंस मीन्स हो जाएगा प्रतिक्रिया या प्रभाव, कैसे एक बड़ा प्रतिक्रिया या बड़ा प्रभाव डालते हैं, छोटी छोटी परिवर्तन कैसे एक बड़ा प्रभाव या बड़ा परिवर्तन डालते हैं। तो भैया ये हो गया आपके छठे प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया, एक बार और उत्तर देखिए, उसके बाद हम लोग सातवें और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्न का उत्तर कुछ इस तरह से, अंटार्कटिका बिकॉज ऑफ इट्स सिंपल इकोसिस्टम एंड लैक ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज द परफेक्ट प्लेस टू स्टडी हाउ लिटिल एयर चेंजेस इन द एनवायरनमेंट कैन हैव बिग रिपरकशंस। आगे बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं, अंतिम प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए आपके सामने अंतिम प्रश्न है और यह भी प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के जेडीजेड सेट में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, डिस्क्राइब व्याख्या कीजिए दी इन्वायरमेंट मीन्स पर्यावरण का ऑफ अंटार्कटिका, मीन्स अंटार्कटिका के पर्यावरण की व्याख्या कीजिए। तो भैया अंटार्कटिका का जो पर्यावरण था वहाँ पर जो थी चीज़ें जो है उसी चीज़ को आपको लिख देने हैं। ये तो उत्तर आपको शुरुआत में ही दिया गया था कि वहाँ पर कैसा मौसम था। तो यहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं, अंटार्कटिका इज दी वर्ल्ड हाइएस्ट ड्राइएस्ट, मीन्स यह संसार का सबसे सूखा, विंडियस्ट सबसे हवादार, एंड कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट और सबसे ठंडा महाद्वीप है। उसके बाद देखिए लिखे हुए हैं, इट्स रिकॉर्ड लो टेम्परेचर इज -94°C। इसका रिकॉर्ड जो है जो सबसे कम टेम्परेचर है वो कितना है, -94°C, मींस -94°C है। तो आपने इस सातवें प्रश्न के उत्तर में इस चीज को दिखा दिए। तो ये आपका सातवें प्रश्न का सीधे सटीक उत्तर हो गया कि अंटार्कटिका इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ड्राइएस्ट विंडियस्ट एंड कोल्डेस्ट कॉन्टिनेंट, इट्स रिकॉर्ड लो टेम्परेचर इज -94°C। तो भैया ये उत्तर हो गया। और इस तरह से यूपी बोर्ड 2022 एवं 23 के जितने भी प्रश्न इस चैप्टर से पूछे गए थे सभी प्रश्न हमने करा दिए। इसके साथ साथ आपका जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के उन सभी प्रश्नों को भी करा दिए। उम्मीद करते हैं सभी प्यारों को एक क्लास अच्छे से सुंदर ढंग से पसंद आई होगी, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी ऐसा उम्मीद करते हैं। बाकी अब आपको एक बार पेड क्लास में एडमिशन कैसे लें उसका पूरा प्रोसेस समझा देते हैं और पेड क्लास में क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी उसके बारे में बता देते हैं, फिर क्लास की समाप्ति करेंगे। और एक बार जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पर देखिए लिखा गया है प्यारे, पेड क्लासेस फैसिलिटीज, मीन्स पेड क्लास में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी वो सारी चीज़ें लिखी गई हैं। देखिए आपका पहला लिखा गया है, यहाँ पर आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मीन्स आपका इंग्लिश का ग्रामर लिटरेचर पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। आपको सभी क्लास का पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। डेली आपकी एक घंटे की डाउट सेशन की क्लासेस होती हैं। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होता है और मंथली वाले टेस्ट के साथ आपको प्राइज देखने को मिलता है। ऑल सीरीज प्रैक्टिस कराया जाएगा, मीन्स बोर्ड परीक्षा में जो है बोर्ड परीक्षा के पहले जितनी भी सीरीज मार्केट में आ जाएंगी उन सभी सीरीज का प्रैक्टिस कराया जाएगा। मॉडल पेपर आपको कराया जाएगा, रिविजन सीरीज प्लस फटाफट रिविजन सीरीज, अंतिम प्रहार श्रृंखला, ये सारी चीज़ें आपको पेड क्लास में देखने को मिलेंगी। और इस पेड क्लास का टारगेट होगा आपको इंग्लिश में 100 out of 100 मार्क्स के लिए पूरी तरह से तैयार करना। और फीस प्याचे केवल ₹499 है और ये फीस पूरे सत्र की है जब तक आपकी फाइनल बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाती है। और ये फीस आपकी दोनों बैच की है, अर्थात किसी भी बैच में आप एडमिशन यदि ले रहे हैं दोनों में से किसी भी बैच का ये आपका फीस है। एक बैच आपकी जो है चल रही है अप्रैल से क्लासेस, उसकी टॉपर्स बैच की चल रही है, और एक बैच की क्लासेस आपकी 1 जुलाई से चल रही है। तो दोनों में से आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी आप पेमेंट कैसे करेंगे, आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप, इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है आपको इसी नंबर पर पेमेंट करने हैं यदि आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं।
बाकी प्यारे बच्चे, या फिर आपको यहाँ पर जो बैंक डिटेल दिया गया है आप इस बैंक डिटेल का भी प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर आपको यहाँ पर कुछ QR कोड दिए गए हैं आप इन QR कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेना है, उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937172 करके जो आपको नंबर दिया गया है इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप कर देने हैं। व्हाट्सएप करने के बाद आपको एक फॉर्म भेजा जाएगा, उस फॉर्म को आपको फिलअप करने होंगे। फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहां से आप क्लास से जुड़ जाएंगे, वहां पर आपको सारी क्लासेस मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। तो भैया ये एडमिशन का पूरा प्रोसेस था, उम्मीद करते हैं सभी प्यारों को समझ आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हुई होगी ऐसा उम्मीद करते हैं। बाकी प्यारे जो भी प्यारे 499 रुपए अफोर्ड कर सकते हैं बिल्कुल आप निसंकोच एडमिशन कराना, क्योंकि उसमें सारी चीजें एकदम बेहतरीन ढंग से प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ये आज की क्लास हो गई, बाकी जो है एक बार सभी प्यारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। बाकी कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे। कोई नामुमकिन सी बात को मुमकिन करके दिखा, खुद पहचान लेगा जमाना, भीड़ से तू अलग चल करके दिखा। तो इसलिए प्यारे अगर आपको भीड़ से अलग चल करके दिखाना है तो आपको अच्छी खासी मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत में कोई भी कमी किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए, ये सभी प्यारे से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं, मिलते हैं अगली किसी अन्य इंपॉर्टेंट क्लास मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।